हेलो एवरीवन, नमस्कार। सरमना सर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका गार्डनिंग दोस्त विष्णु फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के साथ जिसका नाम है ऑक्सालिस प्लांट। इस वीडियो में मैं आपको टोटल प्लांट केयर के बारे में बताने वाला हूं, प्रोपगेशन के बारे में बताने वाला हूं, कैसे ये ऑक्सालिस प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्रो होती है और वाटरिंग कब करें, सनलाइट, एवरीथिंग बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ में हम लोग क्या लेंगे, पॉट लेंगे। आप 8 इंच का ले सकते हैं, 10 इंच का ले सकते हैं, आप प्लास्टिक का ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, कोई भी आप पॉट ले सकते हैं। तो पॉट में होल होना बहुत ज़रूरी है और होल को ढक देना बहुत ज़रूरी है। कोई पत्थर से आप ढक देंगे ताकि आपका जो मिट्टी है वो वहाँ से निकले ना, ठीक है। अब हम लोग पॉटिंग मिक्स में हम लोग क्या ऐड करेंगे, पॉटिंग मिक्स में हम लोग ऐड करेंगे बालू, जो हम लोग सैंड बोलते हैं, बालू रिवर सैंड, इसे हम बजरी भी बोलते हैं, वो हम लोग मिक्स करेंगे। तो बालू हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, बालू अगर ऐड करेंगे तो मिट्टी को और पोरस बनाता है और वो वेल ड्रेन सॉइल बनाता है। और पॉटिंग मिक्स में हम लोग क्या क्या ऐड किए हम लोग वो बाद में बात करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस प्लांट को मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। रिपोर्टिंग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जब भी रिपोर्टिंग करेंगे, जैसे प्लांट वहाँ लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, टैप करेंगे साइड से, देखिए इतनी अच्छे से निकल गया। आप उसको सीधा प्लांट को पकड़ कर निकालेंगे तो उसका सब जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, दो पार्ट में करूँगा और आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, यहाँ एक बल्ब होता है, ऑक्सालिस प्लांट का जो प्रोपोगेशन का सिस्टम है वो बल्ब से होता है। ये वीडियो जो है मैं जून में शूट कर रहा हूँ, तो जून में जो है गर्मियों में जो है ऑक्सालिस प्लांट मर जाती है, लेकिन एक दो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, अगर वो फॉलो करेंगे तो वो ऑक्सालिस प्लांट मरती नहीं है। हाँ, हालांकि इसका ग्रोथ जो है वो कम होती है, जैसे विंटर में जैसे ग्रोथ होती है वैसे नहीं होगी समर में, लेकिन बचती है, थोड़ा बहुत ग्रो होता है। मैं अभी ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जून महीने का वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत ही सुंदर बल्ब आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे बल्ब दिख रहा होगा, यही ये बल्ब बहुत ही सुंदर बल्ब है। तो यहाँ से इसकी जो है ग्रोथ होती है और इसको मैं क्या करूँगा, दो पार्ट में करके मैं दो डिफरेंट पॉट में लगाने वाला हूँ। जैसे 8 इंच का पॉट है मेरे पास, आप 8 इंच का पॉट में लगा सकते हैं, 10 इंच का पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे करके मैं पार्ट कर दूँगा। पार्ट करने के बाद देखिए, तो ये देखिए, आप साइड में छोटा स्क्रीन में दिख रहे होंगे बल्ब, देखिए छोटा स्क्रीन में आपको दिखा बल्ब। अब ऐसे करके हम लोग मिट्टी लेंगे। हाँ, अब मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी जो है जब भी आप पॉट में लगाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, नीचे जो है पॉट में थोड़ा मिट्टी आपको देना है, पॉटिंग मिक्स आपको देना है। और पॉटिंग मिक्स में आपको क्या लेना है, आपको लेना है, मैंने क्या लिया, मैंने लिया आपका 60% गार्डन सॉयल और 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% बालू, जिसे हम सैंड कहते हैं, रिवर सैंड भी आप वही सेम ही है, रिवर सैंड बालू वो सेम ही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट में भी आपको मिलेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी आप मिट्टी बनाएंगे, वेल ड्रेन मिट्टी बनाना बहुत जरूरी, वेल ड्रेन गार्डन सॉइल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वेल ड्रेन गार्डन सॉइल नहीं बनाएंगे तो आपका जो पानी जो है वेल ड्रेन नहीं होगा, वेल ड्रेन अगर नहीं होगा तो आपका जो पानी वहाँ जमा हो जाएगा, जमा होने के बाद क्या होगा, आपका जो रूट्स है, जो मैंने आपको बल्ब दिखाया, वो बल्ब जो है रूट रॉटिंग हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और गर्मियों में जो आपको प्रोसेस जो अपनाना है, आपको क्या करना है, उसको आपको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सनलाइट में आप नहीं रख सकते इसको। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका जो लीफ है वो जो बर्न हो जाएंगी, उसकी पत्तियां जो है वो जल जाएंगी, इसीलिए इस प्लांट को आपको इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब क्या है कि आप किसी पेड़ों के छाँव में रख सकते हैं या फिर जो आपकी विंडोज़ हैं उसके बगल में आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिएगा फ्रेंड्स, और एक क्या है इसमें, ये प्लांट जो है इसकी जो पत्तियां हैं जो बंद हो जाती हैं, बंद कब होती है उसका, अगर जब रात के समय जब होता है तब बंद होती है, और ये आपको इंडिकेशन देती है कि उसको लाइट कम मिल रही है। अगर उसको लाइट कम मिलती है तो वो क्या होता है, उसकी पत्ती जो है, उसकी पत्ती जो है बंद हो जाएगी। एक रात को बंद होती है और दिन में कब बंद होती है, जब उसको लाइट कम मिलती है फ्रेंड। चलिए अब बात करते हैं पानी के बारे में। जब भी आप नया प्लांट लगाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, कटिंग से लगाएंगे, तब आपको भरपूर पानी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप 2-3 दिन नहीं देंगे तब भी चलेगा फ्रेंड्स। अब इसको पानी कब देना है, जैसे कि जब भी इसकी ऊपर जो टॉप लेयर है जब सूख जाएगी तभी आपको पानी देना है।
अगर ये गीला है तो उसके ऊपर पानी मत दीजिएगा, पानी दे देंगे तो रूट रोटिंग का खतरा हो सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए आफ्टर वन वीक जो है बहुत बढ़िया ग्रो की है इस प्लांट ने, तो लेकिन क्या होगा समर में क्या होता है उसकी पत्ते जो है घटती जाएंगी फ्रेंड्स, ग्रो बहुत कम होती है। और आप गर्मी में क्या होती है सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ये क्या होती है कि आप अगर इसको ज़्यादा सनलाइट हो जाती है तो उसकी पत्ती जो है जल जाएंगी, वो मर जाती है, जल्दी मर जाती है। इस गर्मी में इसको बचाना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन आप अगर जैसे मैंने आपको बताया उसको छाँव में रखिए। सबसे बेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ऐसे देखिए मेरा ये एरिका पाम का प्लांट है तो मैंने ज़मीन पे लगाया हुआ है, तो इसके नीचे में रखता हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि उसको छाँव भी मिलता है, हवा भी मिलता है और थोड़ा बहुत बारिश का जो पानी है वो भी मिलता है। बारिश का पानी जो है फ्रेंड्स हर प्लांट के लिए बहुत ही अमृत जैसा होता है फ्रेंड्स। अगर कोई प्लांट आपका मर रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आप वो बारिश के पानी में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए पॉट को एक दो घंटा, वो प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया खिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी चीज़ पूछना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एंड तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।